हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल कुकिंग मुखिया पर। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपके लिए लाए हैं दीपावली मिठाइयों की धमाकेदार रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। के 10 मिनट में बनाएंगे बिल्कुल बाजार जैसा दानेदार कलाकंद। के लिए हमने 300 ग्राम के लगभग ये पनीर लिया है, इसको हमने ग्रेट कर लिया है इस तरह से। यहाँ पे हमने पैन ले लिया है, 1 टेबल स्पून हमने घी डाला है, इसमें हम 1 कप के लगभग दूध लेंगे, इसी में हम अपना मिल्क पाउडर डाल देंगे। यहाँ पे 1 कप हम मिल्क पाउडर ले रहे हैं, मिल्क पाउडर आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं। मिल्क पाउडर हमारा मीठा है इसलिए इसमें हम थोड़ी चीनी कम डालेंगे। गैस की फ्लेम को अभी हमने हाई रखा है। यहाँ पे हमने आधा कप से थोड़ा सा कम ये चीनी ली है, ये हमने चीनी को पीस लिया है जिससे ये जल्दी से मिक्स हो जाएगा। मीठा आप कम ज़्यादा कर सकते हो। चीनी को भूनने तक हम पकाएंगे अच्छे से। गैस की फ्लेम को हमने हाई रखा है। इसमें हम डालेंगे अपना पनीर जो हमने ग्रेट करके रखा है। गैस को हम स्लो कभी हाई करके इसको पका लेंगे अच्छे से। पनीर भी थोड़ा सा घी रिलीज करेगा। और इस समय हम डाल दे रहे हैं थोड़ी सी इलायची, इसको हमने कूट लिया है। ट्रे को ग्रीस करके बटर पेपर लगा लिया, इससे और भी आसान हो जाएगा। थोड़ी सी ड्राई फ्रूट डाल देंगे, ये ऑप्शनल है। इसी सरफेस पे हम 1-2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। देखो गाइस, ये हमारी बर्फी अच्छे से सेट हो गई है। तो कट कर लेंगे। तो ये हमारी दानेदार कलाकंद की बर्फी बनके तैयार है। ये 10 मिनट में बनके तैयार हो गई है। काजू कतली ध्यान रखें, काजू ठंडा ही लें, फ्रिज का रखा हुआ, और इसे पल्सेस में पीसना है रुक रुक के। कोई छन्नी से छान लेंगे। 200 ग्राम हमने काजू लिया था, 1 कप चीनी, 1/2 कप पानी। चीनी मेल्ट हो गई है, जब इसमें हल्का सा तार बनेगा तभी हम चाशनी की गैस बंद कर देंगे। बस हल्का सा तार बनने लगे, गैस की फ्लेम को अभी बंद कर रहे हैं। और ये अपना जो काजू का मिश्रण है उसको हम डाल रहे हैं। 2 चम्मच मिल्क पाउडर, ये पूरी तरह ऑप्शनल है। इसमें 1/2 टीस्पून हमने घी डाला है। गैस की फ्लेम हमने बंद कर दिया है, ये ठंडा होने पे और गाढ़ा हो जाएगा। इसको बेलन से बेल लेंगे, पतला मोटा आप अपने हिसाब से ले सकते हो। देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है। यहाँ पे हमने एक पैन लिया है और इसमें हमने 1 गिलास फुल क्रीम दूध लिया है, इसे हमने डाल दिया है और इसे हम अच्छे से खौला लेंगे। 1/2 होने तक इसे हम इसके किनारे छुड़ाते हुए इसे हम पका लेंगे। यहाँ पे हमने एक ग्राइंडर जार लिया है, इसमें हमने 200 ग्राम पनीर को इस तरह से क्रम्बल करके डाल दिया है और चीनी डाल देंगे। चीनी अपने टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा आप ले सकते हो। इसमें हमने 2 चम्मच काजू पाउडर डाला है, आप इसकी जगह डेसिकेटेड कोकोनट भी डाल सकते हो। यहाँ पे हमने 1 चम्मच घी लिया है, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमने फूड कलर लिया है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, और इसे भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। पैन छोड़ने लगा है तो ये हमारा मिठाई का मिक्सचर तैयार हो गया है। वो ठंडा होने पे और भी थिक हो जाएगा, तो अब इसे हम निकाल लेते हैं प्लेट में। अब इसका हम इस तरह से रोल बना लेंगे और आप कोई भी शेप दे सकते हो इसमें। हम इस तरह से ट्रायंगल का शेप देने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह से सिल्वर फॉइल में हम रैप करके फ्रिज में रख देंगे 20 से 25 मिनट के लिए। देखिए इस तरह से तैयार हो गया है। अब इसे हम निकाल लेंगे। आपको काटने से ही पता चल रहा होगा कि ये कितना सॉफ्ट बना है। इंस्टेंट मिठाई रोल, 1/2 कप हमने फुल क्रीम दूध लिया है, पैन में हमने डाल दिया है। अब 1/4 कप चीनी ली है, दूध अभी गर्म है तो इसमें अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। अभी हमने गैस को जलाया नहीं है।
आधा चम्मच हमने घी लिया, आप रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हो। एक कप हमने मिल्क पाउडर लिया है, इसे हम मिक्स कर लेंगे। गैस को अभी हमने नहीं जलाया है, इससे गुठलियाँ नहीं पड़ेंगी हमारी मिठाई में। अब हम गैस को ऑन कर लेंगे और स्लो गैस पे ही हम इसे पकाएंगे, क्योंकि ये मिल्क पाउडर है ना, ये जल्दी लग जाता है तले में, तो मिठाई हमारी ख़राब हो जाएगी। ये बहुत जल्दी गाढ़ा भी हो जाता है, जैसे कंटिन्यू चलाते हुए पैन छोड़ने तक हम इसे पकाएंगे। तो यहाँ पे हमने 2 चम्मच काजू पाउडर लिया है, आप इसकी जगह डेसिकेटेड कोकोनट ले सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, पैन छोड़ने तक इसे हम अच्छे से पका लेंगे। तो देखिए ये हो गया है, ये ठंडा होने पे और भी गाढ़ा हो जाएगा। तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, बस उतना जिसे हाथ से छू सके। अब हम इसको रोल बना लेंगे, ठंडा हो गया है। अब इसे हम फ्रिज में आधा घंटे के लिए रख देंगे। तो आधा घंटे के लिए हमने फ्रिज में रख दिया था, तो निकाल लिया है। इस पर हम लगा रहे हैं सिल्वर वर्क, क्योंकि ये त्योहारों पे बना रहे हैं तो देखने में ज़रा अच्छा लगता है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। तो देखिए इस तरह से हमने लगा लिया है, अब इसे हम काट लेंगे। तो देखने में ही लग रहा होगा ना कितनी सॉफ्ट बनी है हमारी मिठाई। इसी तरह से हम सारे पीस काट लेंगे और इसे हम प्लेट में पिस्ता से गार्निश करके इस तरह से लगा लेंगे। इन सभी रेसिपीज में अपनी फेवरेट मिठाइयाँ हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय।